हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं होंडा से आने वाला एक छोटा रॉकेट। सॉरी भाइयों, थोड़ा मजाक कर रहा था। होंडा डियो में 110 सीसी का इंजन आता है जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 8 bhp और 8.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो आपको माइलेज भी 50 से 55 के बीच में देता है। नॉर्मल गाड़ियों में हेडलैम्प्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन होंडा डियो में सामने की तरफ नोज पे इसे माउंट करके दिया है। इंडिकेटर आपको नॉर्मल येलो वाला मिलता है, लेकिन आपको हेडलैम्प्स एलईडी मिलते हैं। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टायर देखने को मिलेगा जो 10 इंच का है, 90x100, और इसमें कॉम्बी ब्रेक भी मिलते हैं। इसमें हमें डिजिटल मीटर मिलता है और उसमें ट्रिप मीटर, क्लॉक, स्पीडोमीटर के साथ साथ इको इंडिकेटर भी मिलता है। ट्रिप सेट और रिसेट के लिए यहाँ पर हमें एक बटन भी दिया गया है। बीच में हमें इतनी जगह मिलती है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। इसकी सीट की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी छोटी है और इसमें दो लोग आराम से आ जाएंगे, लेकिन तीसरे को दिक्कत हो जाएगी। पर हमें साइलेंसर गार्ड पे कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता। पीछे की तरफ हमें हैलोजन बल्ब मिलते हैं, इंडिकेटर नॉर्मल येलो बल्ब है, और ऐसी कुछ इसकी ग्रिल है जो एक्सेसरीज का पार्ट है। साइड पैनल पे बड़ा सा डियो का स्टिकर मिलता है। इसके DRL रात में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ये देखिए इसे। होंडा डियो में हमें मल्टीफंक्शनल की पॉइंट मिलता है, यहीं से हम बूट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 5.3 लीटर है। डियो पे हमने एक माइलेज टेस्ट किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। S4 में हमें पासिंग लाइट नहीं मिलती थी, S6 में आ रही है अब, और ऐसे कुछ इसके मिरर है जो बेसिक्स में भी कंटिन्यू किया है। भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।